हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12 के लिए एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो समाप्त हो गया लेसन, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आज लिखवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ये एस्ट्रोलॉजर्स के पेशे की कौन सी चीज़ें थी, यानी एस्ट्रोलॉजर कौन कौन सी चीज़ों का अपने पेशे के लिए इस्तेमाल करता था, आंसर इसका। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट वर a dozen of quarry var iske aage a dozen quarry a dozen quarry CORRIE क्वारी सेल आई स्क्वायर ऑफ क्लॉथ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑफ सिक्योर माइस्टिक एक गजर कौड़ी और एक चौकोर कपड़ा जिसमें एक चौक पूरी हुई थी, चार्ट बना हुआ था। आज नोट हो एक नोटबुक भी थी एंड ए बंडल ऑफ पानीरा ये इतनी चीजें उसकी ये इक्विपमेंट थी। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट वर अ डजन कौड़ी एक डजन कौड़ी सेल्स कौड़ी सेल्स होते हैं। आ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ एक
चौकोर कपड़ा विथ ऑक्सक्यू माइस्टिक चार्ट ऑन इट, जिस पर एक चार्ट जादुई चार्ट बना हुआ था, और नोटबुक, एक नोटबुक उसमें, एंड ए बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग और पालमीरा की कुछ लकड़ियाँ यानी कलम। ये उसका इक्विपमेंट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हिज फोरहेड एंड आई। संक्षिप्त में वर्णन करना है उसके माथे का और उसकी आँखों का, कैसे वो अपने माथे में क्या सजाए रहता था और आँखें उसकी कैसी दिखती थी, इस तरीके से आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। वह माथे में भभूत लगाए रहता था, चंदन लगाए रहता था और मूछें उसकी बड़ी बड़ी थी। हिज फोरहेड वाज resplendent माने पोता हुआ, उसका चेहरा रंगा रहता था, with sacred S माने राख, पवित्र राख अर्थात जिसे हम भभूत कहते हैं, भभूत से रंगा रहता था, एंड बर्मिलिन बर्मिलिन माने चंदन, भभूत और चंदन, और उसकी आंखें कैसी थी, एंड हिज आई की आंखें इस पार के विद आसार को एम नॉर्मल ग्रीन 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 searching look for customers searching look for customers His forehead was resplendent with sacred S. उसका चेहरा जो था वो पवित्र राख से एंड वर्मलिन और चंदन से रंगा रहता था, एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आँखें जो थी बहुत तेज तर्रार चमकदार, सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स अपने कस्टमर को की तलाश में रहती थी हमेशा इधर उधर,
देख के लेता। तो ये सेकंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज टर्बन। अब इसे साफ करना पड़ेगा, व्हाट वाज द कलर। टर्बन, यानी उसका जो पगड़ी बांधे रहता था उसका रंग क्या था, पगड़ी का रंग। आंसर, कौन सा रंग था इसका, सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कलर, यस सैफ्रॉन। लिखेंगे द कलर, हाँ, हिज टर्बन वाज सैफ्रॉन। बारह हो गए सैफ्रॉन। विच जिसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है, कभी असफल नहीं रहता है, तो वह एक सैफ्रॉन कलर का टर्बन बांधे रहता है। तीन क्वेश्चन, दो और अभी मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इनको लिखिए और रन करिए। थैंक यू।